सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आप लोग देख सकते हैं आज गाड़ी के अंदर मतलब बहुत बारिश है हमारे इधर, मतलब बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। एंड मेरा बाइक का क्या हुआ, ठीक है। सो बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं कि गाड़ी आपका तो बाइक का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, बाइक का हुआ क्या, आपने भेज दिया क्या। एंड इसका ही मैं आज मतलब एक्चुअल क्या हुआ है और क्या अभी मतलब सिचुएशन है मेरा बाइक का, मोटरसाइकिल का, उसके बारे में बोलूंगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस फर्स्ट से अभी शुरू करते हैं। इफ आपने मेरा लास्ट जो मेरा बाइक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वो देखा है तो आप लोग को पता होगा, इफ आप लोग ने नहीं देखा तो अभी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड फर्स्ट मेरा जो सिचुएशन था, मेरा बाइक में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम दे रहा था कि लाइक हाई स्पीड में गाड़ी का जब एबव 8000 RPM में गाड़ी का थ्रॉटल काम करना बंद कर देता है, ठीक है। एंड उसमें मतलब इंजन ऑन रहता है इनिशियल, बट बंद हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट देने से वो स्टार्ट नहीं होता है, आफ्टर 10 मिनट्स उसको रोकना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी ऑन हो जाता है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम के लिए मैं फर्स्ट गया था बोरपेटा रोड KTM। सो उधर जाके अराउंड 1 month गाड़ी रहा। एंड गाड़ी रहने के बाद उन लोग ने बोला कुछ ऐसा सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। सो कुछ दिन पहले मैं बोरपेटा रोड गया था कि उन लोग ने मुझे फाइनली कॉल किया कि लाइक आपका गाड़ी हो चुका है, मतलब सेंसर लग चुका है, अभी अब देखिए आप कि गाड़ी ठीक है या नहीं। उसके बाद मैंने चलाया गाड़ी को, सेम प्रॉब्लम। उसके बाद मेरा मतलब पूरा मूड ऑफ हो गया, ठीक है, पूरा मतलब पूरा ही मूड ऑफ हो गया। एंड उसके बाद मैंने जो KTM का हेड है नॉर्थ ईस्ट का, CMO या कुछ बोल सकते हैं हेड है, सो उन लोग को मैंने उनको मतलब मैंने कॉल किया। एंड उन लोगों ने बोला कि लाइक आपका गाड़ी में मैं अभी अच्छे से देखूंगा कुछ क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। एंड मुझे बोला कि लाइक आप गुवाहाटी आ जाइए, गुवाहाटी में जो मतलब बामुनी वगैरह में नया शोरूम खुला है उसमें थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा चीज़ें हैं चेक करने के लिए। सो मैं क्या किया कि लाइक गाड़ी लेके गुवाहाटी चला गया बामुनी मैदान, ठीक है। सो आप लोग जैसे वीडियो पे देख सकते हैं कि उधर डायनो पे अभी पूरा टेस्टिंग चल रहा है गाड़ी का। एंड क्या हुआ कि लाइक मेरा गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वो कैसा था कि लाइक आप जब स्पीड भगाएंगे एवो 120-130 के ऊपर ही गाड़ी का प्रॉब्लम दे रहा था। सो स्लो स्पीड में गाड़ी एकदम ओके था, मतलब लो एंड में, मतलब जब टॉप एंड जाता था अबव 8000 तभी ही गाड़ी में ये सब प्रॉब्लम देता था, टेक्शन कंट्रोल हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता था, थ्रॉटल काम नहीं करता था, ठीक है। सो इसके लिए मैं उस दिन ही, जिस दिन बोरपेटा गया था उस दिन ही मैं मतलब बामुनी मैदान चला गया एज सून एज पॉसिबल। शाम के अंदर मुझे अराउंड 7 तक मैं शोरूम पहुंच गया था गुवाहाटी। एंड उन लोग ने बहुत टेस्टिंग किया, बहुत क्या किया, और उन लोग ने बोला कि लाइक कुछ कोड का एरर है तो आप देखिए, अभी हमने कोड लगा दिया है, सो आप लोग आप थोड़ा चला के देखिए, तो आप तो गुवाहाटी में है। सो मैंने क्या किया, 2 दिन गाड़ी को रखा, 2 दिन, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश था, ठीक है, मतलब अभी नॉर्थ ईस्ट में मतलब आसाम में स्पेशल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। सो मतलब इतना चांस ही नहीं मिला कि गाड़ी को इतना में भगा पाऊँ। तो उसके बाद भी मैंने क्या किया कि सिटी में थोड़ा हाई रेव किया गाड़ी को, कम गियर में, कम स्पीड में, सो तभी प्रॉब्लम नहीं दे रहा था, ठीक है। एंड थर्ड डे में क्या हुआ, मतलब कल का बात है, मैं मतलब घर आ रहा था, ठीक है। सो घर आने के टाइम क्या हुआ कि मैंने मुझे 4 लेन मिला, सो थोड़ा भगाया 100-120 ऐसा गया, तो उसमें गाड़ी का सेम प्रॉब्लम और एक बार मुझे फेस करना पड़ा। सो उसके बाद मतलब मेरा तो मतलब सिर वीर पूरा घूम गया, ठीक है, मतलब मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बाइक बेच ही दूँ, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब सिचुएशन है ना, मतलब गाड़ी का मतलब कोई मतलब ऐसा एक टेक्नीशियन नहीं मिला जो एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में वो ठीक कर पाए, ठीक है। एंड इसलिए क्या हो रहा है कि लाइक गाड़ी का मतलब मुझे जितना तक लगता है और मैंने जो हेड से भी बात किया कि लाइक गाड़ी में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, वायरिंग या सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इंजन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज डायनो में भी जब चेक किया गाड़ी को पूरा फुल थ्रॉटल मतलब फुल RPM तक भगाया, गाड़ी का इंजन का कोई इशू नहीं है, मतलब डायनो में जब फास्ट जाते हैं एक चक्का घूमता है, ठीक है, और जब रनिंग होता हूँ तभी मतलब कुछ ऐसा सेंसर का फॉल्टी आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब रीडिंग फॉल्टी आ रहा है जिससे मतलब वो पावर कट कर दे रहा है गाड़ी का। सो ये मतलब प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो मतलब इसको ढूंढने के लिए मतलब गाड़ी का माइनर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड बहुत सारा चीज़ है वो उसको गाड़ी के लिए पूरा मतलब अच्छे से टाइम देके खोलना पड़ेगा, ठीक है। सो कल जैसे मैं बोल रहा था कि मैं जब घर आ रहा था ऐसा प्रॉब्लम दिया 2-3 बार हुआ। एंड मेरा जो KTM का हेड से बात हुआ, सो मैंने उनको बोला कि लाइक मैं गाड़ी को अभी घर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोग फर्स्ट
प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए, देन आई विल गेट बैक टू यू. ठीक है, मतलब जब प्रॉब्लम का सलूशन निकाल, बिकॉज ऐसे ही मेरा बाइक बोरपेटा रोड में एक महीने डेढ़ महीने पड़ा रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ. ठीक है, उससे बेटर घर में पड़ा रहे, कुछ कभी तो कुछ काम आ जाएगा, जा सकता है, मतलब स्लो स्पीड में प्रॉब्लम नहीं होता है. ठीक है, सो इसलिए मैं गाड़ी को कल रात अराउंड इवनिंग तक मैं गाड़ी को घर लेके आया. और अभी जो करंट स्टेटस है गाड़ी का, ऐसे नॉर्मल में 100 के नीचे चलाने में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो जब मैं फास्ट हाई रेव में जाता हूँ तभी प्रॉब्लम हो रहा है. सो अभी मुझे मेरा KTM का जो हेड है नोटिस का, उन लोग उनसे मतलब मेरा बात हुआ, एंड उन लोग ने उसने मतलब सर ने मतलब एश्योरेंस दिया कि लाइक गाड़ी का जो प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करके देंगे विद इन मंथ. सो अभी उसका ही मतलब वेटिंग चल रहा है, जब मुझे मतलब वो मतलब सोल्यूशन देगा तभी मैं क्या करूँगा कि जो नियर बाई जो हमारे इधर शोरूम है, जैसे बोंगाईगांव शोरूम में लेके जाऊँगा, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो लोग करके देंगे. अभी क्या मतलब मेरा जो अभी मतलब हालत है ना, लाइक गाड़ी मतलब ठीक भी है ठीक भी नहीं है, मतलब ऐसा वाला सिचुएशन है. ठीक है, सो मतलब यही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, इफ आप लोग एक KTM एडवेंचर ले रहे हैं या कुछ भी इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंपनी फीचर्स दे देता है बट क्या होता है कि लाइक हमारे जैसे हम जैसे नॉर्थ में है. ठीक है, सो इधर का जो टेक्नीशियंस है, ये आप लोग थोड़ा अच्छे से सुनिए बात मैं क्यों बोल रहा हूँ. सो गाड़ी कंपनी आपको अच्छा ही देगा, अच्छा फीचर्स के साथ देगा. ठीक है, बहुत फीचर्स देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, राइट बाय वायर, बहुत चीज़ देगा. बट क्या होता है कि लाइक कंपनी जो दे रहा है उसका सपोर्ट ऐसा आपको टेक्नीशियन, आप इफ ऐसे जगह पे रहते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, असम, ये सब, मेघालय जैसे रहते हैं, सो इधर आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा वो टेक्नोलॉजी के लिए. ठीक है, जैसे मतलब आपका KTM ईच एंड एवरी हमारा इधर मतलब जो शोरूम सर्विस सेंटर है, जो लोग है मतलब मैकेनिक, सब लोग ऐसा नहीं कि किसी को काम नहीं आता, काम आता है, बट क्या है वो लोग मैकेनिक है. ठीक है, वो लोग मशीनरी चीज का सोल्यूशन दे सकता है, वो मुझे भी पता है. आपका इंजन में कुछ हुआ, क्लच में कुछ हुआ, इंजन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब दे सकते हैं. बट जब बात आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एज इन ये सब वायरिंग का चीज, सो ये चीज में ना उन लोग का इतना भी मुझे नहीं लगता कि लाइक नॉलेज है या उन लोग को इतना अच्छे से ट्रेन किया हुआ है कि लाइक दे कैन सॉल्व दैट. बिकॉज एक गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स है सो उसका भी सपोर्ट देना मैंडेटरी है. और ऑलरेडी मतलब कंपनी के तरफ से बहुत ऐसे डायग्नोस्टिक टूल आता है जिससे बहुत चीज़ मतलब फाइंड कर सकते. बट ये जो मतलब ये सब जो चीज़ है सेंसर वेंसर ये सब, इसका मुझे नहीं लगता कि इधर का मैकेनिक लोगों को इतना भी आइडिया होगा. सो वही बात है, इफ आप लोग एक ऐसा बाइक ले रहे हैं स्पेशली KTM का एडवेंचर ड्यूक, सो बात वही है कि लाइक आप एक बार सोच के लीजिए. बिकॉज जो चीज़ के लिए आप पैसा दे रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो चीज़ आपको इफ आपका ऐसा हुआ कि लाइक आप चला रहे गाड़ी उसमें एक इलेक्ट्रिकल फेलियर आ गया गाड़ी में. ठीक है, जैसे मोस्टली नहीं आता है, बिकॉज मेरा बाइक में ये जो आया ये इंडिया में फर्स्ट ऐसा KTM एडवेंचर में प्रॉब्लम आया. ठीक है, मुझे जितना पता है, बट आ सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा बाइक में आया तो किसी के बाइक में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, किसी के बाइक में आ सकता है, वो रेंडम पर्सन हो सकता है. ठीक है, सो वही बात है कि लाइक आपको वो सोचना पड़ेगा कि इस बाइक के साथ आप पूरा लाइफ रिलाई कर सकते हैं या नहीं, किसी भी जगह लेके जा सकते हैं या नहीं. बिकॉज एक इलेक्ट्रॉनिकली जब एक चीज़ फेल हो जाता है उसका सोल्यूशन आपको आप रास्ते में नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत टूल चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए. ठीक है, एंड मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो सेफ्टी के लिए है, ये चीज़ आप लोग हाईलाइट में कर रहे हो, सेफ्टी के लिए. ठीक है, इफ आपका गाड़ी का जस्ट से आप लोग ऐसा बोले कि ABS फेलियर हो गया या MTC फेलियर हो गया और वो आपको 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 पता नहीं है, बट आप ऐसे गाड़ी को चला रहे कि आपको पता है कि लाइक गाड़ी का ABS ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, गाड़ी स्किड नहीं कर सक रही है ऐसे रेनी डे में या ऐसा जहाँ लेस ट्रैक्शन है. सो वो कॉन्फिडेंस से आप जाएंगे, उसके बाद कुछ हो जाएगा, उससे बेटर है आप ऐसे एक बाइक लेके जाइए जिसमें ये सब चीज़ ही नहीं है. ठीक है,
मतलब ये सब चीज ही नहीं है, उसको आपको पता है कि उसको आपको आपका मतलब आपका जो स्किल है वही से ही मतलब उसको चलाना पड़ेगा, रादर देन एक गाड़ी है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें मतलब आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी कुछ कर देगा। बट वो चीज़ में आप लोग मतलब रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इतना भी परफेक्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ में। और मेरे केस में आप लोग भी देख सकते हैं कि गाड़ी को मैंने टाइम टू टाइम मेंटेन किया, गाड़ी में अच्छा मोबिल मतलब अच्छा इंजन ऑयल डाला, एवरी टाइम लिकुमोली में डालता हूँ, मतलब टाइम टू टाइम सर्विस करता हूँ, ओनली सर्विस सेंटर में काम मतलब करता हूँ, ठीक है, उसके बाद भी मतलब ऐसा हुआ, ठीक है। सो बात यही है कि लाइक मतलब क्या होता है कि लाइक जितना भी आप गाड़ी को मेंटेन कीजिए ऐसा एक चीज़ हो जाता है कि जिससे आपका मूड ऑफ हो जाता है। सो इफ मैं नेक्स्ट कभी भी एक बाइक लूँगा, KTM का तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं लूँगा, आई मतलब जितना ही हो मतलब क्या होता है कि लाइक एक मतलब होता है ना कि लाइक ऐसा मुझे सपोर्ट मिलेगा, इसलिए मैंने मेरा ये KTM का सेकेंड बाइक है, ठीक है। सो सेकेंड बाइक होने के कारण मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा सपोर्ट मिला, बिकॉज मैंने ऑलरेडी KTM का बाइक चलाया है, ठीक है, बट उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आया था बिकॉज मेरे पास लास्ट था ड्यूक 250 था, ठीक है। सो वही बात है कि लाइक अब इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलाई नहीं कर सकते, गाड़ी का इंजन का प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी का नॉर्मली वो मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है कि गाड़ी को ठुक गया किसी का, किसी ने कुछ मतलब तार वार काट दिया, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। बात है कि लाइक गाड़ी में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गया है, ठीक है। सो यही बात है कि लाइक आप लोग जब एक गाड़ी लेंगे बहुत सोच समझ के लीजिए गाड़ी, आपको देख के लीजिए कि आप वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज मुझे मैं जो प्रॉब्लम अभी मतलब फेस कर रहा हूँ लाइक मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये टोटली कंपनी के ऊपर है वो लोग क्या करते हैं, सॉल्व हो जा सकता है वो कोई बड़ा बात नहीं है, सॉल्व कर दे सकते हैं, बट जो ये एक चीज़ होता है ना कि लाइक आपको आप शोरूम जा रहे हैं प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे हायर ऑथोरिटी को बुलाना पड़ रहा है जस्ट टू सॉल्व माय बाइक प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये चीज़ है कि लाइक आपको हेडेक लेना पड़ेगा बहुत चीज़ों का। सो मतलब बात वही है कि लाइक आपका पैसा है, आप कहाँ लगाना चाहते हैं, कौन सा आपको मतलब रिलायबिलिटी चाहिए या फीचर्स चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो यही बात था मुझे आप लोग को अपडेट देने के लिए, मेरा बाइक अभी मेरे घर में है, ठीक है, अभी जब मतलब वो उसका सोल्यूशन आएगा आप लोगों को भी ज़रूर से बोलूँगा कि लाइक एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज अभी तक टिल टू मंथ्स हो गया है अभी तक गाड़ी बाइक का, बट अभी तक कुछ भी मुझे अपडेट नहीं मिला। आप लोगों का भी एक KTM एडवेंचर 390 है एंड आपका भी सिमिलर प्रॉब्लम है जो देन डू लेट मी नो, बिकॉज ये चीज़ मैं अभी KTM में हाईलाइट करूँगा कि लाइक किसी और का भी ऐसा प्रॉब्लम है, बिकॉज जितना हो सके उन लोग ने बोला कि लाइक आपका ही फर्स्ट ऐसा है कि लाइक जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो उन लोग को भी मैं मतलब बोलूँगा कि लाइक ऐसा और किसी के साथ भी हो रहा है। सो आप लोग इफ अगर KTM एडवेंचर 390 चलाते हैं एक बार देखिए कि लाइक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, एंड मेरा बाइक मेनली 2021 का बाइक है, ठीक है। तो 2021 गाड़ी में आप लोग देखिए कि लाइक प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, बिकॉज हो सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। सो इफ मुझे सोल्यूशन मिलता है मैं ज़रूर से एक व्लॉग बनाऊंगा क्या एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था एंड क्या मेजर्स लेना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज ये चीज़ मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है किसी के साथ। सो मैं जितना हो सके आप लोग को भी नॉलेज के लिए बोल दूंगा। इस वीडियो को गाइस और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आई होप आप लोग को जितना मैंने बोला आपको समझ में आया चीज़, एंड मेरा तो प्रॉब्लम है बट आप लोगों का होना नहीं चाहिए, दैट्स द थिंग। सो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, आई होप आप लोग को ये वीडियो गाइस अच्छा लगा, बिकॉज आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत ही भूलिए, ठीक है। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे थे, सो देन वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत ही भूलिए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, ठीक है। सो मिलते हैं किसी ऐसे ही और एक वीडियो पे। सो टिल देन गाइस, बाय बाय, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय एवरीवन।